हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीटीज वेंचर। मेरा नाम धवल ठक्कर। आज मैं आपको सबसे पहले मैंने जो भी कॉल्स दिए थे उसके बारे में मैं आपको फीडबैक दे देता हूँ। एक कल मैंने टोटल 6 कॉल्स दिए थे, जिसमें से 5 सेल के कॉल थे और एक बाय का कॉल था। मेरे कल के वीडियो के अंदर जो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल डीटी वेंचर पे अपलोड किया था, तो पहला कॉल था मारुति, वहां पर मैंने मेंशन किया था 5850 और 5880 के आसपास अगर आए तो सेल करना है। तो आपने देखा 5885 का हाई बनाकर वो 100 पॉइंट नीचे आया, तो ऑलमोस्ट हमें 100 पॉइंट का वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग मिला। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर हमने सेल कॉल दिया हुआ था 355 और 56 के आसपास, वहां पर हमें एक 5 रुपए का लॉस हमें इंट्राडे के अंदर देखने मिला। और ACC के अंदर मैंने 340 के आसपास सेल कॉल दिया था, अगर आप हाई देखोगे तो डॉट 340 का ही था और वहां से 1340 का हाई था और वहां से 1308, मतलब ऑलमोस्ट 30 पॉइंट का इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग हुआ। यूनाइटेड स्पिरिट मैकडोवल्स के अंदर मैंने बाय कॉल दिया हुआ था 590 के और 85 के आसपास में, वहां पर हमने देखा कि 90 का बॉटम बना के 602 के आसपास आया, मतलब अगेन वहां पर हमें 10 रुपए का गेन मिला इंट्राडे के अंदर। पावर ग्रिड के अंदर मैंने 75 और 78 के आसपास में सेल पोजीशन बनाई थी, वहां पर हमें सिर्फ 3 रुपए की मोमेंटम मिली डाउनसाइड के अंदर एग्जीक्यूशन के बाद, तो वहां पर एक 3 रुपए का प्रॉफिट बुकिंग मिला। और सेम गोज टू गेल ऑल्सो, गेल के अंदर भी एक 103 के आसपास में हमने सेल कॉल जनरेट किया था और हमने देखा कि 103 का ही हाई बनाया, फिर वापस 100 रुपए का लो बनाया, तो वापस वहां पर एक 3 रुपए का मोमेंटम हमको गेन मिला गेल के अंदर। सो टोटल 6 कॉल दिए थे, 6 कॉल में से 5 कॉल के अंदर हमें इंट्राडे के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करने मिला और एक कॉल के अंदर हमने लॉस बुक किया, वो भी मिनिमम 5 पॉइंट से, और सारे कॉल्स हमने इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ कर दिए। तो अब मैं आने वाले कल के दिन के लिए मैं बताना चाहूंगा कि क्या व्यू होगा। सबसे पहले मैं निफ्टी से शुरुआत करूंगा। तो निफ्टी में मैंने जैसे कि बताया था कि जब तक 10,400 के ऊपर का क्लोजिंग 2 दिन का नहीं आता तब तक मैं बुलिश नहीं होऊंगा, निफ्टी के अंदर अपना व्यू चेंज नहीं करूंगा। और आज हमने देखा कि निफ्टी ने 10,400 के ऊपर का क्लोजिंग दिया हुआ है, आज का एक दिन है, और अगर कल का एक दिन भी अगर हमें सेम 10,400 के ऊपर का क्लोजिंग मिलता है देन आई विल से कि यस, यहां से एक बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छी रैली देखने मिलेगी। निफ्टी के कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स है, स्पेशली FMCG सेक्टर्स वगैरह, वहां पर हमें तेजी देखने मिलेगी टिल द लेवल्स ऑफ 10,750 और 10,900, इनफैक्ट 11,000 तक भी जा सकता है। लेकिन हम कल के दिन में भी अगर 10,400 के ऊपर का क्लोज बनाते हैं तो अब मैं कल के लिए बात करूंगा कुछ स्टॉक्स के बारे में, कल क्या स्टॉक्स हमें अपने रडार पे रखने चाहिए और क्या व्यू बनाना चाहिए उसके लिए। तो कल के लिए मेरे पास में 5 स्टॉक्स होंगे और ऑब्वियसली जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 10,400 के ऊपर अगर निफ्टी आएगी तो मैं थोड़ा सा व्यू चेंज करूंगा। तो आज 5 स्टॉक में से 4 बाय कॉल है और 1 सेल कॉल है। तो 4 बाय कॉल में से सबसे पहले SBI के बारे में बात करूंगा। SBI 184 का क्लोज है, अगर आपको 180 या 178 के आसपास में अगर आपको दिखाई देता है 180 या 176 में तो वहां पर बाय कॉल बना के चल सकते हैं 170 का, और टारगेट आप मेंटेन करके चल सकते हैं 200 के आसपास, इसे आप पोजिशनल में भी काम कर सकते हो लेकिन स्टॉप लॉस 170 का मेंटेन करके। सेकेंड कॉल है मेरा ICICI बैंक के अंदर, ICICI बैंक 362 का क्लोज है और अगर आपको 360 और 355 के आसपास में अगर पोजीशन अगर बनाने मिलती है तो बाई कर सकते हैं ICICI बैंक में, 345 का स्टॉप लॉस। अगेन ये पोजिशनल कॉल में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो लेकिन स्टॉप लॉस 345 का मेंटेन करके। HPCL एक ऐसा स्टॉक है जहां पर मैं सेल का व्यू बनाऊंगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम 222 का इसका क्लोज है और 224 और 226 के आसपास में नैरो रेंज के अंदर मैं इंट्राडे के अंदर सेल का व्यू बनाने की राय दूंगा और 233 का इसके अंदर मैं स्टॉप लॉस मेंटेन करने का बोलूंगा। ये प्योरली इंट्राडे होगा बिकॉज सेल कॉल है। और एक कॉल है कोटक के अंदर मेरा बाय कॉल बनता है आज, जैसे कि इंट्राडे के अंदर मैंने अपने सारे क्लाइंट्सों को और मेरे वेल विशर्स को जो फ्री ट्रायल्स के अंदर है उन सभी को मैंने कोटक के अंदर बाय कॉल दिया था और वहां पर इंट्राडे के अंदर हमने एक 17-18 रुपए का प्रॉफिट बुक भी किया। लेकिन अगेन मैं कोटक के अंदर बुलिश हूँ, कोटक जब तक 1330 के नीचे का क्लोज नहीं आता मेरे लिए बहुत ही अच्छा, मेरा फेवरेट स्टॉक है। तो 1345 का क्लोज है तो 1340 और 1330 के बीच में आता है तो कोटक के अंदर बाय की पोजीशन बना के चलिए, 1310 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। अगेन इसको आप पोजिशनल व्यू में भी बना कन्वर्ट कर सकते हो। और एक लास्ट स्टॉक है मेरा कोलगेट,
कोलगेट 1376 के आसपास का क्लोज है और 1360 और 50 के बीच में अगर आता है तो बाय कॉल बना के चलिए, 1330 का स्टॉप लॉस। और कोलगेट के अंदर मैं स्पेशली एक कमेंट ऐड करना चाहूंगा कि कोलगेट 1376 का क्लोज है, अगर ये 1390 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया एक घंटे के लिए या फिर उसने क्लोज भी दे दिया 1390 के अंदर, तो कोलगेट के अंदर आप एक्सपेक्ट करके चलिए कम से कम 100 रुपए की तेजी आपको देखने मिलेगी। तो ये थी मेरी तरफ से आने वाले कल के लिए कुछ स्टॉक्स के बारे में राय, कौन से स्टॉक्स को हम अपने रडार पे रख सकते हैं, और कल के स्टॉक्स के बारे में मैंने आपको अपडेट दे दी है। और मैं ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी अपलोड करूंगा यूट्यूब के अंदर जो भी हमने कॉल्स दी है, और सैटरडे के दिन में एक मेरी तरफ से एक आपको वीडियो अपलोड करूंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा इंट्राडे में कैसे काम किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे एंड हैव ए नाइस वीक अहेड। थैंक यू सो मच।